योगी के सबसे बड़े दुश्मन हो गए तैयार, अखिलेश की हामी का हो रहा इंतजार, अगर हो गए सपाई तो फिर क्या करेंगे भाजपा। गोरखपुर में यानी कि अपने ही जिले में बढ़ जाएंगी योगी की मुश्किलें। अरे भाई, 3 बार सांसद रहे हैं योगी यहाँ से, और फिर अब बीजेपी के सांसद रवि किशन यहाँ बाबा की गद्दी को संभाले हुए। लेकिन अब यहाँ बीजेपी की तो क्या, हाँ योगी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी होने वाली हैं। आप भी सुनेंगे तो यकीनन आपको भी झटका लगेगा, क्योंकि खबर ऐसी ही है। बताएंगे आपको क्या है पूरा माजरा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। यहाँ बात हो रही है हरिशंकर तिवारी की, जो योगी के हैं पक्के दुश्मन। ना वो योगी को फूटी आंख सुहाते हैं, ना ही योगी उन्हें भाते, तो दोनों के बीच रहता है 36 का आंकड़ा, और कम कोई भी नहीं है भाई। अपने जमाने के बड़े बाहुबली रहे हैं हरिशंकर तिवारी। एक समय था जब उनकी पूरे जिले में तूती बोलती थी, हालांकि अभी भी उनके परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, फिर चाहे वो योगी ही क्यों ना हो। लाख कोशिशों के बाद भी योगी आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार का। अब एक ऐसी खबर आ रही है जो योगी के साथ साथ बीजेपी के लिए बुरी खबर बन गई। ऐसी खबर है कि अब योगी अखिलेश से तो बाद में हारेंगे, पहले अपने ही घर में अपने धुर विरोधी से हार जाएंगे। वजह है हरिशंकर तिवारी के परिवार की समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ती नजदीकियां। जी हाँ, खबर अब ऐसी आ रही है कि हरिशंकर तिवारी का परिवार जल्द समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इससे सिर्फ पूर्वांचल का नहीं बल्कि पूरी यूपी का समीकरण बदल जाएगा। यूपी की सियासत में ब्राह्मण बनाम ठाकुर के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई से सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। हरिशंकर तिवारी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच की राजनीतिक अदावत भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे विधायक विनय शंकर तिवारी, बड़े बेटे और पूर्व सांसद कुशल तिवारी और भतीजे गणेश शंकर पांडे समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं, तो इससे अखिलेश को पूर्वांचल में मिलेंगे बड़े ब्राह्मण चेहरे, और सीएम योगी का फिर क्या होगा उसकी यहाँ व्याख्या करना भी थोड़ा मुश्किल। ये निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण विरोधी योगी के लिए एक बड़ा झटका होगा। ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति में हरिशंकर तिवारी का सपा में जाना पूर्वांचल, जो कि ब्राह्मण बहुल इलाका माना जाता है, वहां की सियासी हवा का रुख पूरी तरह बदल सकता है। पूर्वांचल में सिर्फ हरिशंकर तिवारी ही नहीं होंगे बल्कि सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, अपना दल के साथ साथ और भी कई दल होंगे जो तकलीफ सिर्फ बीजेपी को दे रहे होंगे और फायदा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का हो रहा होगा। पूर्वांचल के गोरखपुर से लेकर देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, अंबेडकर नगर, बलरामपुर में ब्राह्मण वोटर काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। यहाँ हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में अखिलेश के पक्ष से उनका बैटिंग करना ब्राह्मणों को लामबंद कर सकता है। अभी अखिलेश के पास पूर्वांचल में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सिर्फ माता प्रसाद पांडे हैं। ऐसे में हरिशंकर तिवारी का आना कई मायनों में सपा को जीत की तरफ ले जा सकता है। हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार से 6 बार विधायक रह चुके हैं। 1996 से लेकर साल 2007 तक यूपी में मंत्री रहे हैं। इसी सीट से अब उनके बेटे विनय शंकर तिवारी बसपा से विधायक हैं, लेकिन बसपा ने अब इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब देखते हैं कि हरिशंकर तिवारी के सपा में जाने के सिर्फ कयास भर हैं, या वो दिन दूर नहीं जब अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवाता दिखाई देगा हरिशंकर तिवारी का परिवार। हालांकि ये कहना यहाँ बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव की डगर अब आसान नहीं रही। अखिलेश ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि बीजेपी की हालत खराब हो गई है। वो समझ ही नहीं पा रही कि भला इस चुनाव में सत्ता वापसी के लिए आखिर करें तो क्या करें। वैसे आप इस चुनाव में किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं और क्यों, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें।